हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करने जा रहे और एनसीईआरटी में इसका नाम देता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना। बाकी लोग नाराज ना हो जिनकी कोई और किताब है, मैग्नेटिज्म ही पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, टेंशन ना लें। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोट लिखा होता है किताब में, टी लिखा होता है तो टी साइलेंट होता है। बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ाएंगे जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एक करेंट कैरिंग वायर के आसपास। एनसीईआरटी में ये टॉपिक बाद में दिया है, बट हम लोग कोचिंग में जब भी पढ़ाते हैं तो इसको पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बिल्डअप होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे हम करा रहे हैं वैसा फॉलो करो, पूरा आईआईटी लेवल का हर सवाल होगा, आपसे टेंशन ना लो, नीट लेवल का हर सवाल होगा। इसी लेक्चर को देख लो तो लास्ट के दो सवाल इतने बढ़िया आपको कराएंगे, बोर्ड लेवल के नहीं, आईआईटी लेवल के, इतने बढ़िया। अभी आज तो पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन वगैरह रहता है, बट लास्ट में जाके दो सवाल बहुत बढ़िया देंगे इसके। शुरू किया जाए तो यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल एंड क्यूट एंड प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं लेक्चर, कॉपी और पेन निकाल लें, चूहा खाना बंद कर दें और नोट्स बनाना शुरू कर दें। जब मैं बोलूं इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करें तो उस टाइम ऐसा करें, सच्चाई में पॉज करके सॉल्व करें, और तब तक सोल्यूशन मत देखो जब तक अपना आंसर ना आ जाए, है ना। जूझो सवाल से तभी कुछ कर पाओगे, जूझना जरूरी है। बाकी जो आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में मैंने लिंक दे दिया है या शायद दे दूंगा, अदरवाइज यू कैन गो टू www.physicswalaalakhpandey.com। ओके, और वहाँ पे आपको इस चैप्टर के कुछ थोड़े दिन बाद, एक दो दिन बाद शायद असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, एकदम बढ़िया कोटा लेवल वाले असाइनमेंट्स रहेंगे, और साथ में असाइनमेंट के अंत में सोल्यूशन भी रहेगा, तो आप सवाल लगाना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सब बातें छोड़कर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है जिसकी आज हमें बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हम एक फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चार्ज वगैरह पे लगती थी, ठीक है, चार्ज वगैरह को पुश करती थी। क्या हुआ कि पुराने जमाने में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, यहां मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, है ना, इस वायर में करंट आई जा रहा है और इसके आसपास हमने एक कंपास रखा, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास रखा। क्या रखा? मैग्नेटिक कंपास रखा, है ना। तो ये सब क्लास 9 10th में हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक कंपास जब मैग्नेट के आसपास आता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट के आसपास मैग्नेट की फील्ड होती है। हमने देखा वही फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ जब मैग्नेटिक कंपास को हम करंट कैरिंग वायर के पास लाए, हमने देखा दिस मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स, ठीक है। तो हमको ये लगने लगा कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि अगर इस करंट का डायरेक्शन हम पलट देते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी पलट जाता है, है ना। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स। इस पे हेनरी ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है, उसको आपको नहीं पढ़ना है इन डिटेल, आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ना है। क्या अभी ये समझ में आ रहा है कि करंट जहाँ पे है वहाँ आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और तभी ये कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, इसका सिंबल है बी, ठीक है। फेमिलियर हो जाओ इससे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी। जागो सपने से, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड से ही प्यार हो रखा है, कैसे छोड़े तुम्हें, आगे बढ़ो, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड से भी प्यार करो ना। ही सारे इसमें वो मजा नहीं, पढ़ते पढ़ते आएगा, चार पांच लेक्चर होंगे, धीमे धीमे इससे भी प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। प्यार बदलता रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और ये भी डेफिनेटली कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कहाँ बन रही थी? चार्ज वगैरह से बन रही थी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है? करंट कैरिंग वायर से, और मैग्नेट वगैरह से भी बनती है आगे, ये भी हम देखेंगे, अभी हम करंट से देख रहे हैं। तो हमने देखा कि हाँ, एक वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होती है। आपके घर में भी किसी तार में करंट जा रहा है तो उसके आसपास अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी तार, उस पर प्लास्टिक की कोटिंग वो रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कंपास आपका डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस शोज दैट करंट कैरिंग वायर, दिस शोज दैट, लिखें इस लाइन को, लिखें करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, लिखें इस लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड
अराउंड इटसेल्फ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो ये चैप्टर आपका पूरा डील करेगा मैग्नेटिक फील्ड से ही, और मैग्नेटिक फील्ड किससे बन रही है, करंट कैरिंग वायर से। भाई नाम ही क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब ये मूविंग चार्ज क्या है ये भी समझते हैं, पहले इतना नोट करें, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब एक बड़ी खास बात ऑब्जर्व हुई, ये सब ऑब्जर्वेशन है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ऐसा हमने देखा, हमने भी नहीं देखा है ना, हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त ने देखा, ठीक है, हेनरी ऑस्टेड वगैरह ने। एक और ऑब्जर्वेशन है कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और इसके पास एक चार्ज रखा है, सुनो ध्यान से, कहानी आगे बढ़ रही है, पहले ये समझ गया करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब सुनो ध्यान से, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, समझो मीनिंग, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास में मान लो एक चार्ज रखा और ये चार्ज मान लो रेस्ट पे है, तो हमने देखा इस चार्ज को अगर हमने रेस्ट पे छोड़ा तो ये रेस्ट पे ही रहा, यानी नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फिर हमने एक और ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसके पास में एक चार्ज को हमने चला दिया, मान लो v वेलोसिटी से, सपोज इस चार्ज को हमने मूव करा दिया विथ वेलोसिटी v, तो हमने चार्ज से कहा था ऊपर जाओ सीधे जाओ, पर ये चार्ज ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, चार्ज डिफ्लेक्ट्स, जो कि ये प्रूफ करता है कि चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी ड्यू टू सम फोर्स। समझो बात को, अब अगर ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता, इमेजिन अगर ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता तो इस चार्ज पे यहां पे भी फोर्स लगती। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रेस्ट पे हो मोशन में हो उसको फर्क नहीं, अगर यहाँ चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती थी F इज इक्वल्स टू क्यू ई, है ना। अब ये भी नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जाके पढ़ो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती करंट कैरिंग वायर की वजह से तो वो इस पे फोर्स लगा देती, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, पर कोई फील्ड है। कैसे पता चला, जैसे ही इस चार्ज को हमने मोशन दिया, इस चार्ज को हमने मोशन दे दिया, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो वेलोसिटी उसकी वेरिएबल हो ये सब बातें नहीं है, बस क्या है, चार्ज इन मोशन, मूविंग चार्जेस है ना नाम, मूविंग चार्जेस, चार्ज इन मोशन। जैसे ही इस चार्ज को हमने मोशन दिया हमने देखा ये डिफ्लेक्ट होने लगा, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करने लगी। वाह रे वाह वाह वाह, कैसी फोर्स है ये, कैसी निराली फोर्स है, रेस्ट पे नहीं लगती मोशन पे लगने लगती है, कितनी अजीबो गरीब फोर्स है ये कैसी फील्ड है जो चार्ज पे तब एक्ट करती है जब चार्ज मोशन में आ रहा है, और ये अजीबो गरीब फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाता है और मूविंग चार्जेस पे भी। याद है हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे फेंका था तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया था, शायद देखा हो आपने मेरा वो लेक्चर, नहीं तो किताब में देखा हो कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंको तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाता है, मूविंग चार्जेस पे भी लगाता है, बट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट वाले चार्ज को छूता तक नहीं है। तुम में वो बात नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें मूविंग चार्ज चाहिए जिसके अंदर थोड़ा मोमेंटम वगैरह हो, उसी को हम छेड़ेंगे, ठीक है ना, छेड़ेंगे का वो मतलब नहीं है। चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्स एंड दिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पार्ट है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट होता है, बट हम लोग कोचिंग इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, वो आदत भी नहीं पड़ी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लेटर ऑन चैप्टर। अभी हम एस्टैब्लिश करेंगे कि फील्ड कैसे बनती है, कितनी फील्ड बनती है, क्या डायरेक्शन होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर आएगा उसमें उस फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, किस पे इफेक्ट करती है, मूविंग चार्जेस पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी हम पहले मैग्नेटिज्म समझेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या बायोसेवर्ट्स लॉ है, क्या एम्पियर सर्किट लॉ है, ये सब वगैरह, और उसके बाद उस फील्ड की वजह से कौन से चार्ज डिफ्लेक्ट होते हैं, मूविंग चार्ज, है ना, हर तरह के मूविंग चार्ज नहीं, थोड़ा बहुत कंडीशन तो होगा साहब,
ऐसे थोड़ी ना चैप्टर लिखा जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अभी तक आपको समझ में आया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे कहा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट का डायरेक्शन पकड़ने पे पलटने पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी पलट जाता है। हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिंबल बी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने बताया कि इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, तो ये रेस्ट वाले चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं करता, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। इसके सिमिलर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है चैप्टर वन चैप्टर टू में फिजिक्स के, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती है और मूविंग चार्ज पे भी फोर्स लगाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एक चीज और सुन लो, मैग्नेट से भी बनेगी, मतलब करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। यू कैन राइट दिस, करंट कैरिंग वायर इज लाइक अ मैग्नेट, इज लाइक अ मैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारा क्या होता था? न्यूटन पर कूलम, है ना। अरे फोर्स एफ बाई क्यू होता था ना, ऊपर फोर्स नीचे चार्ज, तो फोर्स न्यूटन में हो गई, चार्ज कूलम में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हमारा यूनिट होता है? मैग्नेटिक फील्ड का हमारा जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एन अपॉन ए एम। इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, तस्ला नहीं, तस्ला, टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला। अभी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन, अभी तो चैप्टर चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। वेबर असल में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। किसकी है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे यार, फ्लक्स क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? ई डॉट ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, है ना। तो फ्लक्स की यूनिट है वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी? वेबर और अपॉन एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू फाइव बाई ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वेबर पर मीटर स्क्वायर, फेमस है ये सब यूनिट। तो ये सारी एसआई यूनिट हमको देखनी है। टेस्ला सबसे ज्यादा कॉमन है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इंट्रोडक्शन था, छाप लो, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की। अभी हमारा पूरे चार पाँच छः लेक्चर, सात लेक्चर पता नहीं, इसी पे चलने वाले हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उसका इफेक्ट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड जब बनाना आ जाएगा, वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस पे फोर्स वगैरह निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे, कितने एंगल से भागेगा, ये सब वर्क करेंगे। चलिए मिटा दें इसको। अगर वायर में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, ये भी याद रखना। ये नहीं कि वायर ले आए, सर हम तो घर पर तार लेके घूम रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट भी हो, है ना। ये नहीं तार छील के हाथ में पकड़ लिया, चिंग बन चुकी मैग्नेटिक फील्ड, कंपास लेके हॉस्पिटल में बैठना, ट्यून ट्यून करना। मिटा रहे, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर स्पेशल सुपरविजन, ठीक है। हमने बताया ना, हमने नहीं किया, पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त दोस्त ने जाके किया था ये, ठीक है। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दिस मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, क्योंकि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बी, ठीक है। अब बी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ बी के ऊपर जो सबसे पहली और बढ़िया रिसर्च है वो हमारे पास है बायो-सेवर्ट की। बायो-सेवर्ट, टी कैपिटल में लिखा है क्योंकि टी साइलेंट है इसीलिए ऐसी, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ, तो इन्होंने बढ़िया लॉ दिया है और बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। टी साइलेंट है, बायो-सेवर्ट लॉ। इन्होंने बोला, मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये बात हम नहीं बता सकते। इन्होंने कहा ये बात हम नहीं बता सकते, तो आप क्या बताओगे अंकल? इन्होंने कहा कि अगर आप इसमें से छोटू सा डीएल एलिमेंट काट लो, इस डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट अगर आर डिस्टेंस दूर है और इस डीएल एलिमेंट से ये थीटा एंगल बना रहा, तो हम डीएल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये बता सकते हैं। इन्होंने कहा कंप्लीट वायर की वजह से बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायर किस शेप का है, पॉइंट कहाँ पे है, कितने एंगल पे है, सब पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। हमने कहा ठीक है, इतनी बड़ी रिसर्च की है, आपकी बात मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि आर डिस्टेंस पे डीएल लेंथ की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि डीएल की वजह से है तो बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इन्होंने उसको डीबी बोला। तो इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड असल में इंटेंसिटी की बात करेंगे, वैल्यू की बात, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू
ड्यू टू डीएल वेक्टर में लिखा है, ध्यान देना, लेंथ ऑफ वायर जिसमें करंट होना चाहिए, इस डीएल लेंथ की वजह से पॉइंट पी पे विच इज एट डिस्टेंस आर एट एंगल थीटा, है ना, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताई और उसको इन्होंने बोला डीबी। तो वेक्टर फॉर्म में पहले सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, है ना। किताब में पहले बताते हैं किसको प्रोपोर्शनल है, ये है वो है, कोई डेरिवेशन नहीं करते लॉ में, किताब में बताते हैं पहले db इज प्रोपोर्शनल टू आई, db इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, अभी हम भी बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ, पहले फॉर्मूला छापो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ना 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 ना, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस r अपॉन, ठीक है। हमने कहा नहीं 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 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, क्रॉस वॉस ना ये तो नहीं आता हमको, 11 छोड़ा हमने, हमें हिंदी में बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे लोग के लिए जिनको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट, अभी बताते हैं ये म्यू नॉट क्या है, अभी बताते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे एप्सिलॉन नॉट था, चैप्टर वन पढ़ा है ना, हाँ गुड, जैसे एप्सिलॉन नॉट था वहाँ पे, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी बता रहे हैं, पहले जरा इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। इन्होंने कहा अगर डीबी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, सिर्फ डीबी लिख रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर नहीं, तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर। अब जरा सुनना, दिस इज डीएल वेक्टर, अच्छा एक चीज सुन लो, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी है, पर हमें वेक्टर चाहिए था क्योंकि करंट के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही थी, देखा था ना करंट पलटने मैग्नेटिक फील्ड पलट गई, तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा करंट को तो स्केलर है करें क्या करेगा, इन्होंने कहा एक डीएल वेक्टर उठा लेते हैं लेंथ वाला जो कि डायरेक्शन हमेशा करंट का लेगा, डीएल का अपना कोई डायरेक्शन नहीं, करंट का ही डायरेक्शन, तो डीएल और आर और इसके बीच में क्रॉस है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा हो तो क्या आप डीएल क्रॉस आर को डीएल इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं? भाई ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो, यानी कि कभी भी ए बी साइन थीटा, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा जो कि दिख रहा है, सो आई डी एल आर साइन थीटा अपन आर क्यूब, एक आर मर जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्म बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं, दिस इज स्केलर फॉर्म, इसमें क्या चीज़ गायब हो गई, इसमें डायरेक्शन गायब हो गया। बच्चों डीएल क्रॉस आर से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन भी मिलता था, कैसे अभी बता देंगे, भूल गए लेवल अभी बता देंगे, उसको छोड़ दो, है ना, ओवरऑल वेक्टर से क्या होता है पूरा पूरा आंसर मिल जाता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये स्केलर फॉर्म है, ईजी टू यूज़ ये है। अब किताब में क्या करता है, किताब में बोलता है DB जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट को, DB जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा को, DB जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई आर स्क्वायर को, और DB जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है DL को, और फिर सबको कंबाइन करके वो बनाता है, अरे यार ऐसे ही लिख लो। वो बताते हैं कि लॉ में उन्होंने देखा कि जब हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, जब हमने थीटा बढ़ाया तो साइन थीटा बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, जब हमने आर कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, कम करने पे आर को आधा करने पे मैग्नेटिक फील्ड चार गुना बढ़ी 1 बाई आर स्क्वायर, और डीएल देखा कि डीएल लेंथ बढ़ाते जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते गई, सब मिला जुला के ये बना, अरे कॉन्स्टेंट लगा लिया प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, मैं सीधा फॉर्मूला, तो इसको नोट करें, इसको नोट करें, दोनों को याद कर लें पहले, फिर बात करते हैं म्यू नॉट बाई फोर पाई की। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, छी 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 छी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा कॉन्स्टेंट था 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं याद है, हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, वहां क्या था 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल्स टू 10^-7, एसआई यूनिट में अगर इसका खेल खेलोगे तो 10^-7 आएगा, छोटा है ना, बहुत छोटा है, 10^-7 इसकी वैल्यू है, एंड दिस म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, जहाँ पे थोड़ी थ्योरी ओरी की चर्चा होती है, एकदम योगा करके हम एकदम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वहाँ इन सब की ज़्यादा बात होगी, अभी के लिए इतना समझ लो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिबिलिटी ऑफ
वैक्यूम, मैं तो आगे खड़ा हो गया, दिखी कर रहे हैं, या परमिबिलिटी ऑफ एयर, इसको हम म्यू नॉट बोलते हैं। अलग अलग मीडियम का अलग अलग म्यू होगा, जैसे वहां पढ़ा था हमने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इस तरह से रिलेटिव परमिबिलिटी भी हो सकती है, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं, सब तो याद है ना आपको, वहां पे हमने देखा था रिलेटिव परमिटिविटी थी ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू आर परमिबिलिटी, वैसे इसी की जरूरत पड़ती है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर, और किसी और मीडियम का है तो म्यू ले लेंगे, ठीक है। एयर का है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है तो म्यू नॉट। वैसे एयर का परमिबिलिटी थोड़ा अलग होता है, बट हम मान लेते हैं, आपको पता है ना एयर वैक्यूम सिलेबस में सब एक समान। और म्यू नॉट बाई फोर पाई की वैल्यू जरूर याद रखना, 10^-7, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमने आपको बता रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट आपको बता रखी है, क्या थी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको आप टसला भी बोलते हैं, टसला। तो यहाँ से देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, इधर क्या है करंट एम्पियर, ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लिखें एक जगह इसकी यूनिट निकालने के लिए, देखो डीबी को लिखोगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर, डीएल क्या है लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, हटा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये इससे मारा, ये छिछी कहाँ मार रहे हो, छिछी छिछी, ये इससे मारा, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये भी इससे मारा आ जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन एम्पियर की पार -2 एसआई यूनिट में, है ना। तसला के फॉर्म में निकालना हो, तसला के फॉर्म में निकाल, यहाँ तसला होगा, यहाँ एम्पियर, यहाँ मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल, तसला पर एम्पियर मीटर, चाहो तो वैसे लिख लो भाई, ये तसला हो गया टेस्ला, ये एम्पियर, ये मीटर, मीटर स्क्वायर, एक मीटर मीटर मर गया, टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ठीक है, 10^-7 एसआई यूनिट। तो ये सारी बातें हमको बताई किसने, बायोसेवर्ट्स ने। अच्छा तो कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, देखो हम ज़्यादा यूज़ इसी को करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट उससे डायरेक्शन मिल रहा है, तो अब हम डायरेक्शन के लिए क्या करें, या तो वो फॉर्म यूज़ करें या डायरेक्शन के लिए कुछ और देख लें। तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, करंट पे भी डिपेंड करेगा, डी एल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस आर पे भी डिपेंड करेगा, और इवन एंगल पे भी डिपेंड करेगा, कितने एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है। और याद रखना, जैसे वहाँ पे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, वैसे ही दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंटल करेंट, मेंटल नहीं एलिमेंटल, मतलब छोटे से करंट पे लगाना, पूरे वायर पे एक साथ नहीं, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो, डीबी निकाल के इंटीग्रेट कर दो वो चलेगा, बट ये फॉर्मूला छोटे से वायर के लिए लिखा जा सकता है, ये नहीं कि वन मीटर के लिए सीधा ये फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर है। अभी बता रहे पूरे वायर का भी फॉर्मूला, आज ही आएगा वो, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मिटा रहे हैं हम, ये सब चीज़ें छाप लें, छापना है तो चलती है क्या नसीबर, टिंग 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 मिटा रहे, ओके, सुना है तेरी चाहने वाली आगे 10 पीछे 12। अब आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो ये भी बायोसेवर्ट्स बता के गए, थोड़ा सा फील करोगे समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यार पहला तरीका डायरेक्शन निकालने का सीधा है कि डीएल क्रॉस आर को चेक कर लो, अरे भाई फॉर्मूले में जब वेक्टर दे रखा है तो डीएल क्रॉस आर देख लो, जैसे ये करंट कैरिंग वायर आई टी यू, ये पॉइंट पी यू, ये आर, ये थीटा और ये डीएल, और डीएल का डायरेक्शन क्या बोला, बोला हमने करंट के डायरेक्शन में, तेज तो नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है ना, डीएल का डायरेक्शन कहाँ होगा, करंट के डायरेक्शन में, हाँ, क्या बोल रहे थे, हाँ डायरेक्शन, तो हमने बोला कि डीएल क्रॉस आर चेक कर लो, सबसे आसान तरीका डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्लॉट करना आता है कि नहीं, स्क्रू रूल पढ़ा होगा, स्क्रू रूल, सर वी स्क्रूड आर क्लास 11th, स्क्रू रूल कहाँ पढ़ा होगा, खिखी खिखी हंसी आ रही है, चलो देखो अब नतीजा, स्क्रू रूल बोलता है कि पहले वेक्टर पे स्क्रू रख के दूसरे की तरफ घुमा दो, अगर घुमाते वक्त स्क्रू अंदर जाता है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स, घुमाते वक्त स्क्रू बाहर आता है तो डायरेक्शन आउटवर्ड। अब कई लोग ऐसे हैं जिंदगी में स्क्रू नहीं घुमाए हैं, तो जाके आज पहले घुमा लें, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखना है डीएल किधर है, ऊपर की तरफ है, आर किधर है, इस तरफ है, यहाँ पे आप स्क्रू रख के घुमाओ, कहाँ से कहाँ, डीएल से आर, तो डीएल से आर घुमाने पे स्क्रू किधर जा रहा है,
अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस पर्टिकुलर केस में इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ठीक है, और जब भी आउटवर्ड कोई चीज़ होती है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं बता रहे, यहाँ से पूरी फिजिक्स के लिए, कोई भी चीज़ इनवर्ड हो तो क्रॉस, मान लो प्लेन ऑफ पेपर में कोई चीज़ दिखानी हो तो इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट। कई लोग तो भी यहीं फंसे हैं, अरे स्क्रू रूल कहता है कि आप एक स्क्रू लगाओ दोनों वेक्टर जहां टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं वहां, पहले दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला और यहां पे स्क्रू रख के पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ, कुचक क्लॉकवाइज घूमने पे अंदर जाता है ना, तो डायरेक्शन इनवर्ड्स। यह तो बहुत टफ है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट है बड़ा प्यारा सा, यह है राइट हैंड पाम रूल। देखो राइट कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नेटिज्म के चैप्टर में बच्चों हाथ का बड़ा इधर उधर कर देते हैं, जहां बोलो राइट हैंड लगाओ वहां लेफ्ट, जहां बोलो लेफ्ट लगाओ वहां राइट, ऐसे उंगली है ना, चार तरह की उंगली, फिर ऐसे ऐसे बनाते बनाते पूरा चैप्टर खराब कर देते हैं। कई लोग पैर का इस्तेमाल करते हैं तो राइट हैंड, सबके पास राइट हैंड है ना, मतलब इधर साइड होता है ना ऐसे, ठीक है, कोई राइट लेग निकाल के बैठा है, तो राइट हैंड पाम रूल। ये क्या बोलता है कि करंट कैरिंग वायर में अपने राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखो, फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करो, पहले थंब को कहां रखो करंट के डायरेक्शन में, फिर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हुई मतलब घूमी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम यहां पे निकाल लेना, अभी बहुत एग्जांपल ले लेंगे, यहां पे निकाल लें, तो पहले राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिर फिंगर्स को, पहले खोल लो फिंगर को ऐसे, ठीक है, कर्ल करना स्टार्ट करो, खटक खटक खटक, कहां जा रही है फिंगर्स आपकी, इनवर्ड्स, तो यहां डायरेक्शन हो गया इनवर्ड्स। बड़ा कमाल का है, कमाल का क्यों है, क्योंकि आप अब इस तरफ भी निकाल सकते, मान लो मैं कह दूं इसी तरह का एक पॉइंट यहां पे है कोई Q, ठीक है, R डैश डिस्टेंस में, हम बोले यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कुछ नहीं, राइट हैंड के थंब को रखा किसके डायरेक्शन में, करंट, फिर फिंगर्स को कर्ल किया, इस तरफ आप देख रहे हो किधर आ रही है फिंगर, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल, आया समझ में, वरना स्क्रू रूल। अब जहां पे देखो कई बार ऐसा होगा ना बच्चों कि वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे कि आपको डीएल क्रॉस आर ही यूज करना पड़ेगा, वो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे, वो पूछेंगे डीबी किधर है, और वेक्टर फॉर्म में अपना आंसर होगा कार्टेशियन फॉर्म में, तब फिर वहां पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मत भूलना डीबी का, वेक्टर वाला फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा, काली माता की कसम, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखो एक आर बढ़ गया क्योंकि ऊपर भी एक आर बढ़ाया है, और स्केलर में इसी को बोले तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल साइन थीटा, देखो आई डीएल आर साइन थीटा आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर। सबको इतना ही आसान लग रहा है, ऐसा तो नहीं है मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, आई डी एल आर साइन थीटा आर आर कैंसिल। बच्चे कहते हैं आप तो तेजी से कर देते हो, हम पे तरस खाओ, पहली बार म्यू नॉट देखा है जीवन में, अभी तो उसी को हम निहार रहे हैं। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, याद कुछ नहीं रखना है, याद रखना है म्यू नॉट बाई फोर पाई इज इक्वल टू 10^-7, क्लियर है, ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर भी याद रखना है और राइट हैंड पाम रूल। अब सब चीजें आ रही हैं धीमी धीमी समझ में, करंट कैरिंग वायर के आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड, कंपास डिफ्लेक्ट होता है, किसने बताया, बायोसेवर्ट्स ने तरीका बताया निकालने का, उन्होंने कहा कितनी होती है म्यू नॉट बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा डायग्राम है तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, उसके बाद फिंगर्स को घुमाओ, इस पॉइंट पे फिंगर अंदर जा रही है तो इधर फील्ड इनवर्ड, इस पॉइंट पे बाहर आ रही है तो इधर फील्ड आउटवर्ड। छाप लो अभी टाइम है, हाँ ठीक है सर, इसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, डीएल क्रॉस आर याद रखना है भले ही राइट हैंड पाम ज्यादा यूज होता हो। अब देखो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये वाला क्वेश्चन दो, फर्स्ट आपको फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, क्वेश्चन नंबर थ्री करंट coming
outwards. ये क्या है, आओ ही बताएंगे. Point P, find the direction of magnetic field at point P. Question number 4th, kachuk, current going inwards, current अंदर जा रहा, find the direction of magnetic field at point P. चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं. शुरू किया जाए, शुरू कर अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. चलो सवाल को शुरू करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं. हाँ भाई, तो सबसे पहले अपने आपको राइट हैंड का थंब निकालना है, निकाल नहीं देना है. कई लोग सीरियस हो गए, किचन में जाके चाकू लेके थंब निकाल के करेंगे, सर ने कहा, ऐसा नहीं, थंब को यहीं पे खोलना है, ठीक है. हाँ, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है सर हम. थंब को रखा करेंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को, उसके बाद फिंगर्स को कल किया, इधर फिंगर्स किधर गई, अंदर, इधर पूछा ही नहीं है, कुटुक 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 कुछ बाहर, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड्स है. आओ यहाँ पे आओ, थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर्स को कल किया, इधर किधर गई, अंदर, इधर नहीं पूछा, इधर पूछा है, कुचुक 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 बाहर. तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर हुई, आउटवर्ड हुई प्यारे बच्चों. यहाँ पे आओ, अब देखो ये थोड़ा चेंज कर दिया, करंट कमिंग आउटवर्ड्स. अच्छा, यानी करंट ऐसे बाहर आ रहा है. हाँ, करंट ऐसे बाहर की तरफ चला आ रहा है. हो सकता है तार ऐसे था, ऐसा तार है कोई. अब क्या करें सर, पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए डायरेक्शन. अब क्या करें, करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो क्या करें, ये आर डिस्टेंस है, क्या करें, कुछ नहीं, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. क्यों टेंशन ले रहे हो, थंब को लाओ डायरेक्ट, करंट कैसे ऐसे दिख रहा है, इमेजिन हुआ ऐसे, देखो जा रहा है वो करंट, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो, फिंगर्स को कल करो, कुट 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 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो ध्यान से, कुट 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 कुट, देखो थंब को किसके डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन, करंट ऐसे बाहर जा रहा है. इस बार डॉट में करंट भी बन सकता है, कई लोग सोचते हैं डॉट क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, भाई डॉट क्रॉस डायरेक्शन है. हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन, इफ यू हैव नो डॉटर गिव देम टू योर सन. तो डॉट का मतलब है करंट बाहर आ रहा है, ठीक है. ई खचक, डॉट से आप मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकते हो, करंट कोई भी क्वांटिटी दे सकते हो. तो करंट बाहर आ रहा है, ई खचक मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ क्रॉस मतलब करंट लिखा है, करंट गोइंग इनवर्ड्स, तो ये करंट अंदर जा रहा है, थंब को ऐसे अंदर रख लो, फिंगर्स का करो, ई कच 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 कच. मैग्नेटिक फील्ड सर आपने एग्जैक्टली ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन लेता है, और आपको इतना तो पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के, थोड़ी थोड़ी चीजें यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ रख के घुमा देंगे, थोड़ा दिमाग भी चलते रहना चाहिए. क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है दोनों वेक्टर के, जैसे कई लोग कह रहे हैं सर ऐसे भी तो बना सकते थे, देखिए ना ऐसे थोड़ा ऐसे जा रहा है, आपने ऐसे क्यों नहीं, हमने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही क्यों बनाया, हमने ये वाला भी एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. तो मैंने देखो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर किया, और डीएल के परपेंडिकुलर अपने आप है, देखो डीएल ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है. जैसे यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसी कही है, आउटवर्ड ऐसे बाहर आती हुई, और आर वेक्टर देखो कैसा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी आई है, आउटवर्ड ऐसे. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज, ये बात देखना, बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीआर वेक्टर. ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखोगे साथ में तो और बेटर जज कर पाओगे डायरेक्शन, ठीक है. ये तो लोकल मेथड है गांव देहात का कि क्या करेंगे, अंगूठा रख के हाथ घुमा देंगे साहब, है ना. बट ये हुआ मैथ्स वाली चीज भी आपको साथ में पता है, तो नोट करें इतनी चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर. अभी तो हमने डीएल की वजह से निकाला, अब एक फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं. जरा इतना छापें यहां तक, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, छापें इसको. हाँ भाई, इतना नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया. अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर निकालने. क्या बोले सर आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है. हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग, बिना करंट के काम ना चलेगा आज, वायर, ठीक है.
ये हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, एक एलिमेंटल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, छोटी सी एलिमेंट डीएल। अब हम कंप्लीट वायर की वजह से निकालेंगे, तो डेफिनेटली बायोट सेवर्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे मान लो हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है, और मान लेते हैं इस स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है आई। अब ये वायर किसी भी लेंथ का है, सपोजिटली कैपिटल एल लेंथ है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, लीव इट, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करती कहानी, ठीक है, छोड़ दो। अब आओ सुनो, मतलब डिपेंड करती है बट हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि इस जगह से ए डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट पी है। जरा ध्यान दे लो, जगह हमने बीच में जानबूझ के चूज नहीं की, क्योंकि बीच में चूज करते तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता, तो हमने कहीं पे भी रैंडमली ले लिया कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे कोई पॉइंट पी है। दिस पॉइंट पी कैन ऑल्सो बी मिडवे, कैन ऑल्सो बी अप, कैन ऑल्सो बी हेयर, ठीक है, हम ऐसा डेरिवेशन करेंगे सब में वैलिड हो। हमने कहीं पे भी रैंडम जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे पॉइंट पी लिया। अब ध्यान देना, हमने यहां से कचक 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 ये देखा, यहां से कचक 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 ये देखा। ये हमें क्वेश्चन में ज्योमेट्री थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। हमने कहा कि ये एंगल हमारा फाई वन है, और ये नीचे वाला एंगल, ऊपर वाले को फाई वन बोला और नीचे वाले एंगल को हमने फाई टू बोला, ये एंगल जो बन रहा है, है ना। फाई वन तक गए तो इधर पूरा वायर कवर हो गया, फाई टू तक गए तो इधर पूरा वायर कवर हो गया। हमने कहा कि इस पॉइंट से मान लेते हैं एल डिस्टेंस नीचे हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल काटा, और डेफिनेटली डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा। इस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे हम देखेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो डीएल से हमें बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों क्या चीज, आर वेक्टर। क्या बनाना पड़ेगा, आर वेक्टर, ठीक है। हम देखने जा रहे हैं कि इस डीएल लेंथ की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, ठीक है। बायोसेवर्ट्स लॉ यहां पे काम कर जाएगा, क्योंकि बायोसेवर्ट्स लॉ पूरे वायर पे काम नहीं कर सकता, स्मॉल एलिमेंट पे काम कर सकता है। तो हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को डीबी बोला, वेयर डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई, इधर लिखे थोड़ा सा, वेयर डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई क्या होगा, 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब यहां थीटा कहां है यार, है ना, अपॉन आर स्क्वायर लिख ले, चलो अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। यार ये एंगल थीटा लेने पे साइन थीटा होता है, पर चरा रुको, डेरिवेशन में हमने क्या किया, हमने इस एंगल को थीटा लिया है। ध्यान से सुनो, हमने इस एंगल को थीटा लिया, तो भाई साहब ये तो 90 डिग्री की परपेंडिकुलर था ए, पहले ही बताया था, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमको वहाँ फॉर्मूले में तो यही एंगल रखना होता है ना, आई डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल आर साइन 90 माइनस थीटा। भाई फॉर्मूला क्या था, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा। हमने इसको थीटा क्यों लिया, अभी थोड़ा देर रुको समझ में आ जाएगा, इसको जरा आगे बढ़ाओ, पहले जस्ट अभी बता रहे हैं, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह क्या बन जाएगा, वो कॉस 90 माइनस थीटा ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो हमने ऐसा क्यों किया, हमने यहां से थीटा नीचे आके एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। इसी थीटा को हम अगर 0 से लेके फाई 2 तक लाएं तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, माइनस फाई टू से प्लस फाई वन तक। यहां से थीटा बनाया है ना, तो नीचे की तरफ एंगल को नेगेटिव ले लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, जैसा तुम्हारा मन हो, नीचे को पॉजिटिव ले लो, ऊपर को नेगेटिव, यहीं से थीटा मेजर कर रहे हो ना। देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसके एलिमेंट कवर होते जाएंगे। ध्यान से सुनो, जब थीटा 0 है तो ये एलिमेंट मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये एलिमेंट, थीटा मान लो आपने -2 डिग्री लिया तो ये एलिमेंट, -30 डिग्री ये एलिमेंट, -60 डिग्री ये एलिमेंट, -80 डिग्री ये एलिमेंट, हो गया कवर हो गया पूरा वायर। थीटा को आपने +30 डिग्री ये एलिमेंट, 60 डिग्री ये एलिमेंट, 70 डिग्री हो गया खत्म, जितना भी हो मतलब, समझ रहे हो। थीटा को जब हम वेरी करेंगे, ध्यान से जब थीटा को हम वेरी करेंगे 0 से लेके -5 तक और 0 से लेके +5 तक, तो धीमे धीमे सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सबकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यानी हम जो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो थीटा के टर्म्स में करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां एंगल थीटा लिया। आर यू हैप्पी नाउ, और शुड आई गिव यू अनदर लॉलीपॉप,
दिस इज द रीजन. समझ में आ गया. अब ये थीटा लेते ही 90 माइनस थीटा, हाँ फॉर्मूले में था म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल रखते हैं डीएल और आर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा लिख लिया. अब हमने कहा कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं साहब, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो. हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम थीटा को वेरी करते करते सारे एलिमेंट पकड़ लेंगे. थीटा जीरो रखा ये एलिमेंट, माइनस 30 रखा ये एलिमेंट, माइनस 60 रखा, यानी थीटा को हम माइनस 52 तक ले जाना चाहते हैं और ऊपर प्लस 51 तक ले जाना चाहते हैं. माइनस 52 से प्लस 51 कवर करेंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी. वाह भाई वाह. यानी हम जो इंटीग्रेशन चाहते हैं थीटा के टर्म्स में चाहते हैं और थीटा वेरिएबल है. ये बात तो सही है, थीटा वेरिएबल है. दिक्कत क्या है, आर भी वेरिएबल है. देखो जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है आर भी चेंज हो रहा है. सोचो जब थीटा जीरो रखोगे तो आर की वैल्यू ए हो जाएगी, थीटा बढ़ाओगे आर ये हो जाएगा, थीटा बढ़ाओगे आर ये हो जाएगा, थीटा बढ़ाओगे आर भी चेंज हो रहा है. ऊपर भी देखो थीटा यहाँ लोगे आर ये, थीटा यहाँ. तो हमको क्या करना होगा, आर को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना होगा. दूसरी चीज सुनो, कॉस थीटा और डीएल लिखा है ये तो कभी इंटीग्रेट नहीं होगा भाई. कॉस थीटा के साथ डी थीटा इंटीग्रेट होता है, डीएल थोड़ी ना इंटीग्रेट होता है कॉस थीटा के साथ. सही तो बोल रहे हैं, cos थीटा के साथ d थीटा इंटीग्रेट होगा. तो एक तो dl को हटाना है, r को, बाकी म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट i कांस्टेंट, सब बाहर आ जाने हैं. अब देखो कैसे हटाएंगे, ध्यान से. पहले r को हटाने का तरीका, ये ट्रायंगल पकड़ो, कचक 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 कचक, पकड़ लिए. यहां से cos थीटा की वैल्यू बोलो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r हो जाएगा. cos थीटा इज a बाय r, यहां से r की वैल्यू बोलो a बाय cos थीटा. लो r तो चेंज हो गया, रख देना जाके खुश. अब बात आई डीएल को भी हटाना है, आर तो हो गया ना, ए तो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे टाइम, ए बाई कॉस थीटा तो आर की जगह तो हो गई सेटलमेंट. अब डीएल कैसे हटाएं, डीएल आएगा कैसे, कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. डीएल कहां से आया होगा, एल से आया होगा. तो चलो फिर से इस ट्रायंगल को कचक 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 कचक, यहां से देखो टैन थीटा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एल बेस ए, एल बराबर ए, यहां से एल इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा. बोलो सही है, tan theta is perpendicular by base, L by A, L is equal to A tan theta. हमको DL चाहिए, DL चाहिए, तो differentiate कर दो, DL को differentiate कर दो with respect to theta, DL by D theta, A तो constant है, tan theta का differentiation, sec square theta. जिसको ये नहीं आता वो जाके अपनी भैंस चराए. तो DL is equals to A sec square. सर मेरे पास तो गाय है, गाय का नाम है रिंकी, रिंकी या के पापा. DL is equals to a sec square theta d theta. लिख सकते हैं, समझ में आया, tan theta is l by a, l is equals to a tan theta, फिर DL by d theta is equals to a sec square theta, DL is equals to a sec square theta d theta. लो DL की वैल्यू भी मिल गई, a और theta और d theta भी आ गया, वाह वाह वाह. और r की वैल्यू भी मिल गई, उठा के वहां पुट कर दो. क्लियर है, यहां रखें इंटीग्रेशन माइनस 52 से प्लस 51 ले जाएंगे और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल की जगह ए sec square थीटा डी थीटा, साथ में cos थीटा एज इट इज लिखा रखा. आर की जगह आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन cos square थीटा, आर की जगह ए बाई cos थीटा. नाउ इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके बाद फिजिक्स खत्म हो गई है. इंटीग्रेट ये भी तो मैथ्स ही चल रही थी, अब इसके बाद इंटीग्रेट वगैरह करना है. इस ए से ये ए के मरा, cos square थीटा ऊपर चला जाएगा, cos square थीटा sec square थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कैंसिल हो जाएगा. ये cos square थीटा ऊपर जाएगा कि नहीं, और cos square theta और sec square theta एक दूसरे का reciprocal होता है तो फिर वो cancel हो जाएंगे. ये 1 by cos square theta को यहाँ पे sec square theta लेके cancel कर देना, तो last में तुम्हारा बच रहा है mu naught by 4 pi को चलो बाहर निकालो, पहले i को बाहर निकालो, पहले a को भी बाहर निकालो, i बचा है ना बाहर, a बचा है बाहर, mu naught by 4 pi बाहर, सब constant है. अंदर ये कट गया, ये कट गया, cos theta d theta, integration of cos theta d theta 100% सही है, टेंशन ना ले. माइनस 52 से प्लस 51, अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आप फिर से ट्राई करें. अब cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, यहाँ सिर्फ sin थीटा आएगा. तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेट होके ये बचा sin थीटा माइनस 52 से प्लस 51. कई लोग अभी तक बुरा मान गए माइनस क्यों लिया था, अरे भाई इस तरफ एंगल पॉजिटिव ले रहे हो तो इस तरफ नेगेटिव लो, और ये सारा अगर माइनस 52 से 51 तक चलेगा तो सारे एलिमेंट्स कवर होते जाएंगे धीमे धीमे. तो वहां पे आपका जो भी है वो लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेट किया जाए. इतना छाप ले पहले, छाप लिया, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटाएं मिटाएं मिटाएं, चल मिटा रहे, ये मिटा दें,
चीज समझ में आ गई। ये क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में, और आर और डीएल उसको बिगाड़ रहा है। डीएल की जगह डी थीटा ला रहा था, टेन थीटा इज एल बाई ए, और आर की जगह आर को हटाना था क्योंकि आर वेरिएबल हो रहा है, तो हमने बोला कॉस थीटा इज आर बाई ए बाई आर, फिर आर इज इक्वल्स टू ए बाई कॉस थीटा, सही है, रख दिया। ठीक है, सहमत हैं, बहुत बढ़िया, इसको मिटा दिया। हाँ भाई, तो वहाँ पे पहुँचे हम, तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी इसको तो लिख लिया जाए भाई, डी बी का इंटीग्रेशन करोगे बी, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, तो पहले रखोगे साइन थीटा की जगह फाइव वन, फिर माइनस साइन थीटा की जगह माइनस फाइव टू, है साइन फाइव वन माइनस साइन माइनस फाइव टू, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब साइन का अगर अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, साइन में अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, इतना याद रखो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, तो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो ये तो यार हर इंसान करके आपको दिखा देगा, बता देगा, समझा देगा, रटवा देगा, कॉपी में लिखा देगा, टेस्ट लेके इसको याद भी करा देगा, है ना, बहुत आसान था, क्लियर है। दिस इज हाउ यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट। इसमें खास बात अब आपको मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज याद रखना, ए इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात आप भूलना मत जीवन में। दूसरी चीज याद रखना कि फाइव वन फाइव टू कहां से मेजर किए हैं, ये जो लाइन बनाते हो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, यहां से फाइव वन फाइव टू मेजर होता है, फाइव वन फाइव टू मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं समझ में आ रहा है, फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, लिख लो, लास्ट में एक दो सवाल कराएंगे जिसमें आंख ऐसे एकदम चमक जाएगी कि अच्छा ये बात थी, फाइव वन फाइव टू कहां से मेजर होता है, उस परपेंडिकुलर लाइन से, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर फाइव वन ऊपर जाते हैं तो फाइव टू को हमेशा पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में आना होगा, अगर इधर फाइव वन मेजर किया इधर फाइव टू, खैर अभी छापो, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, साइन फाइव वन साइन फाइव टू, है ना, तो यहां से एंगल मत देख लेना, कई बार बच्चे गलती करते हैं इधर से एंगल, ये वाला एंगल देखना है, कैसे आई क्लियर है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा बाई आर स्क्वायर, साइन कॉस थीटा हो गया, फिर हमने कहा कि थीटा टर्म्स में, तो फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर इंटीग्रेट, क्लियर है 100%, छाप लें इसको, ये आपको याद होना चाहिए, मिटा रहे, ओके, और याद अगर नहीं भी होगा तो क्या ही दिक्कत है, डिराइव कर लेंगे एग्जाम में, सर वी नो दैट स्माइल, याद करना पड़ेगा इसका मतलब सर, ठीक है सर कर लेंगे, अब 11th में साइंस लिया है सर, तो अब क्या कर सकते हैं जीवन में, चलो भाई यहाँ तक हो गई बात, ठीक है, तो अब सवाल करना शुरू करते हैं, तो सवाल नंबर एक पहले आसान करा दें, मान लो यहाँ पे एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, और वायर से मान लो हमसे बोलता है 10 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड, एंगल हमको दे रहा है ये वाला मान लो 45 डिग्री, ये वाला एंगल हमको दे रहा है मान लो, सपोज कर लो एंगल दे रहा है ये वाला हमको 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत आसान है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, खत्म, म्यू नॉट बाई फोर पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, ए की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, इंटू साइन फाइव वन साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस साइन फाइव टू यानी साइन 30 कितना होता है 1/2, वॉट एवर द आंसर इज यू कैन कैलकुलेट, कैलकुलेशन हमारा आज बेसिक ध्यान नहीं है, हमारा आज मेन मकसद है आपको समझाना कि एंगल कैसे लेने हैं, वैल्यू कैसे निकालनी है, वट एवर दिस इज दिस विल कम इन टेस्ला टी या न्यूटन पर एम्पियर मीटर और एन बाई ए एम और वेबर पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया, साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, नाउ यू कैन डू द रेस्ट, ठीक है, अच्छा सवाल करें थोड़ा सा बढ़िया ले लें, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ, एंगल कहां से लेना है क्लियर हुआ है, पक्का पक्का अगले सवाल में गलती नहीं करोगे,
चलो ये सवाल खुद से करके दिखाओ। हमें इन्होंने एक स्क्वायर दे दिया जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, इन्होंने हमें एक स्क्वायर दे दिया जिसमें करंट आई दौड़ रहा है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा? इनवर्ड रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में करंट ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप ऐसे थंब रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? देखो, राइट हैंड का थंब रखोगे, फिंगर्स का करो किधर थी? इनवर्ड। डायरेक्शन हमेशा बताना, मुझसे गलती होगी, करंट ऊपर जा रहा था ना। चलो ये वाले पे आते हैं, बिना ढक्कन गिरे लेक्चर कंप्लीट नहीं होते मेरे। हमसे बोला कि इस स्क्वायर के सेंटर पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। दिस इज सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर एंड द साइड लेंथ इज ए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल द फोर वायर्स। फाइंड बी एट पी ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल, चलिए करके दिखाएं। कैसे बनी सवाल कैसे होगा? देखो, एक काम करते हैं, पहले किसी एक वायर की वजह से सोच लो, किसी एक वायर की वजह से। अच्छा, बी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबकी वजह से अलग अलग निकालो, फिर वेक्टर वाली जोड़ो। हम इस वायर की वजह से देखते हैं। पहले क्या करना होगा, ये पी पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा, फिर यहां से लाइन जोड़ो, यहां से लाइन जोड़ो, एंगल ये और ये देखना है ना, ये और ये। इसको पूरी पिक्चर को सोचो ऐसे, समझे बात? तो पहले P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कचक कचक। अच्छा, स्क्वायर की साइड कितनी है? A, तो ये होगा A बाई टू, ये होगा A बाई टू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार हो गया A बाई टू। अच्छा, स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 45-45 होता है। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये खिचिक खिचिक खिचिक, ये 45 हो जाएगा, ये 45 है ना। स्क्वायर में कितना एंगल होगा? ये 90, तो 45-45, और ये भी 45, तो दोनों एंगल 45। जरा ध्यान से सोचो ना, करंट ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अच्छा, डायरेक्शन बता सकते हो? यहाँ पे थंब रखना है करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करना है, इस तरफ इनवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड। यहाँ ऐसे थंब, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, इधर फिंगर अंदर, इधर बाहर, यानी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड ड्यू टू दिस वायर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल देते हैं। तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। वैल्यू सब्सिट्यूट किया जाए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 की, नहीं हटाओ, इस बार वेरिएबल्स नहीं है ना, हाँ, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, अरे सब वेरिएबल है तो क्यों वैल्यू रखें, म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट इज आई, क्या डिस्टेंस ए ही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, रियलाइज हो रहा है ना, पॉइंट पी यहाँ पे, ये पूरी लेंथ ए है, ये ए बाई टू, तो आई अपॉन ए बाई टू, हाँ बोलो, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये ऊपर गया 2i बाई ए, साइन 45 1/√2, तो ये कितना हो गया 2/√2, है ना, 1/√2, तो ये चार ऊपर भी चार नीचे भी, तो मर जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, पता है मेरा एक सुपरस्टिशन टाइप का है मैग्नेटिज्म का, और ये मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ कि म्यू नॉट बाई 4 पाई को कैंसिल मत किया करो। अभी इस क्वेश्चन में तो मन है कर भी दो, जब कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हो, जब कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, किसी कोई पर्टिकुलर जनरल क्वेश्चन है जो कई जगह बार अप्लाई होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को अपने पास रखना, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको याद है 10^-7, है ना, वरना म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4π × 10^-7, यू शुडंट गो इनटू दैट। ठीक है, खैर यहाँ चाहो तो रख, जैसा आपका मन हो, 4i/a ऐसे लिख सकते हैं, √2। ये हो गया सिर्फ एक वायर की वजह से, मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई को, वो 4 नहीं कैंसिल कर रहा, क्योंकि मुझे म्यू नॉट बाई 4 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता है 10^-7, ठीक है, इसलिए नहीं कैंसिल करते। खैर वापस आते हैं, ये इसकी वजह से हुआ, और इसका डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स। कैसे निकाला आउटवर्ड्स? आपने यहां पे राइट हैंड का थंब रखा, फिंगर्स कल की अंदर, इधर बाहर। अब दूसरे वायर की वजह से देख लिया जाए। अच्छा, इसकी वजह से वैल्यू तो सेम ही होगी भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा A बाई टू, एंगल यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, है ना, चारों तरफ बनाओगे बढ़िया रंगोली बन जाएगी दिवाली वाली, सब में वैल्यू तो वही आनी है। अब डायरेक्शन देख लिया जाए, वैल्यू सबसे, डिस्टेंस भी वही है, एंगल वही है, डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे थंब रखो राइट हैंड का, इधर फील्ड, अंदर, इधर निकालनी नहीं, पी पे निकालनी है, पी पे आउटवर्ड, तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड। इसकी वजह से चेक करो, थंब ऐसे होगा करंट के डायरेक्शन में, इधर इनवर्ड, इधर नहीं निकालनी है, अंदर चलो आउटवर्ड, इसकी वजह से इधर इनवर्ड, इधर नहीं निकालनी है, इधर आउटवर्ड, यानी चारों के आउटवर्ड है। तो सिंपल, अगर आपको बी नेट चाहिए
तो आपको क्या करना चाहिए, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 कर दें, क्योंकि सबका डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिमेट्री दिख रही है। तो आप बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ B1, सब बराबर भी है, यानी 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4i अपॉन a रूट 2, है ना, तो 16i बाई a रूट 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई। वैल्यू की आज बात नहीं है, आज बात है कंसेप्ट की, हो सकता है कुछ गलती हो गई, जरा चेक कर लो, i बाई a, a की जगह a बाई 2, 2 पर गया 2i बाई a, साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, 2 4, 4i बाई a रूट 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, सही है, 4 इंटू 4 16, सही आ रहा है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को एज इट इज मैंने अपने पास रखा, 16i अपॉन a रूट 2, और लास्ट में डायरेक्शन लिखना मत भूलें, आउटवर्ड्स वेक्टर क्वांटिटी। आ गया समझ में, छाप लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए मतलब इसके यार सवाल बहुत बन सकते हैं, तो आज हम कुछ कम सवाल करा पाएंगे, अगले लेक्चर में और सवाल आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, लेट द साइड बी एल कर लेते, चलो एल साइड है, ठीक है, लेंथ है। लेंथ एल की, ठीक है, इक्विलेटरल एंगल है, हमसे बोला इसके सेंटर पॉइंट पी पे, फाइन, मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है, करंट लूप हो गया, फाइन बी एट पी ड्यू टू ऑल थ्री वायर्स, तीन वायर्स हैं एल एल लेंथ के, करंट सब में आई 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 है, आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जरा सोचें, गिवन है कि इक्विलेटरल है, कर लिया पॉज करके करें, चल पहले एक वायर की वजह से देखा जाए, पॉइंट पी से सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल 60 रहा होगा, ये कितना बचा होगा 30, ये 60 रहा होगा, कितना बचा होगा 30, ये 90, ये 90, 90 30, तो ये 60 और ये 60, तो 60 51 52 मिल गया, 60 60, एक बार इधर मेजर किया, एक बार इधर मेजर किया, ठीक है ना, दोनों सही है। अब ये आपको डिस्टेंस निकालना है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें जब ये गिराओगे तो ये कहाँ पे आएगा, L बाई 2 पे आएगा, ये भी L बाई 2। अब इस ट्रायंगल से आप ये डिस्टेंस आपको चाहिए, इसको A बोल दो, इस ट्रायंगल में लगा दो, क्या लगाओगे, tan 30 लगा दो, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर A अपॉन बेस कितना, L बाई 2, यहाँ से आपको a इज इक्वल्स टू एल बाई 2 इंटू टेन 30, तो a इज इक्वल्स टू टेन 30 कितना होता है, 1 बाई रूट 3, एल बाई 2 रूट 3, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले हम एक वायर की वजह से निकाल रहे हैं, इसको हम b1 बोल देते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो b1 कैलकुलेट करते हैं, b1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, a की वैल्यू कितनी है, एल बाई 2 रूट 3 साइन फाई 1 यानी साइन 60, साइन फाई 2 यानी साइन 60, बोलो सही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए की वैल्यू हो गई एल बाई 2 रूट 3, ये सही है ना एकदम, परपेंडिकुलर बाई बेस ए इज इक्वल एल बाई 2 टेन 30 इज 1 बाई रूट 3, हाँ ठीक है, हाँ तो साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 बाई 2 रूट 3 आ जाएगा, सो बी 1 इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 रूट 3 ऊपर गया, 2 रूट 3 आई बाई एल, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 और दो बार जुड़ के 2 शुरू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली रूट 3 बचेगा, बोलो सही, रूट 3 बाई 2 रूट 3, 2 टाइम्स और रूट 3 बाई 2, 2 टू कैंसिल, रूट 3, रूट 3 रूट 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा, अरे रूट 3 रूट 3 3 हो जाएगा, सॉरी 3 2 ज़ा 6, वेरी सॉरी, रूट 3 रूट 3 विल बी 3, 3 2 ज़ा 6, 6 आई बाई एल, ये एक वायर की वजह से हुआ। डायरेक्शन की बात कर लो, यहाँ पे हाथ रखना है करंट के डायरेक्शन में, किधर जा रहा, फील्ड पी पॉइंट पे इनवर्ड्स जा रहा, तो दिस टाइम द फील्ड इज इनवर्ड्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई को मैंने टच नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री, टू 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 टू, रूट थ्री टू थ्री, थ्री टू सिक्स, ठीक है। अब तीनों वायर की वजह से निकालना है, अच्छा मैग्नीट्यूड सबकी वजह से सेम होगा, वही सिमेट्री वाली कहानी, यहाँ से जोड़ोगे, यहाँ से जोड़ोगे, 60 60 वही चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है, डायरेक्शन देख लो एक बार, इसकी वजह से इनवर्ड्स, इसकी वजह से इनवर्ड्स, देखो ना करंट इधर नीचे आ रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड्स, करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी पी पे इनवर्ड्स, सबकी वजह से इनवर्ड्स है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वही
B1 plus B2 plus B3 और तीनों बराबर भी हैं सिमेट्री की वजह से, तो 3 टाइम्स ऑफ B1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 3 6 18, आई बाई एल इज द फाइनल आंसर एंड द डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। ठीक है, इसका एक पॉलीगन वाला भी डेरिवेशन है, एन साइडेड पॉलीगन, जैसे स्क्वायर का देखा, ट्रायंगल का देखा, पर वो अभी नहीं करा पाएंगे, अगले लेक्चर में उसको ले लेंगे, अभी और क्वेश्चन कराते हैं, पहले लेवल वाइज चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब पहले बेसिक वाले सवाल तो कर लो एकदम, जो मोस्ट कॉमन होते हैं। चलो ये भी आ गया आपको, थोड़ा बहुत पॉलीगन डील करना समझ में आ रहा है कि एक साइड का निकाल लो फिर उसको उतने साइड से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सिमेट्री है तो, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बढ़िया सवाल देते हैं। मान लो हमको कहता है ये करंट कैरिंग वायर ऐसे बिछाया है आई, ठीक है यहीं तक है, और इसकी लेंथ दे दी, मान लो हमको बोलता है इसकी लेंथ एल है, और बोलता है इसके सेंटर से ए डिस्टेंस दूर यहाँ पे पॉइंट पी है, एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम इट सेंटर, और हमसे पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। चलिए बताइए, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1। पी पॉइंट से एक बार वायर का ये एंड देखना होता है कि एंड, इस एंड पे जाओगे एंगल कितना मिलेगा, 0। इस एंड पे आओगे एंगल कितना मिलेगा, 0। साइन 0 0 0 0, आंसर इज 0। अरे रे, रे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब भी आप वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड देखोगे 0 आएगी, वायर के परपेंडिकुलर में मैक्सिमम आएगी और टेढ़े मेढ़े में भी आ जाएगी, बट अलोंग 0। बी अलोंग द वायर इज ऑलवेज 0, प्रोवाइडेड कोई और वायर ना रखा हो आसपास, उसकी वजह से बन जाएगी फील्ड, इस वायर की वजह से अलोंग द वायर 0। अरे बहुत सिंपल है, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट काट लो डीएल, डीएल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी डीएल की वजह से, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, क्या लिखते हो, आई डीएल साइन थीटा ना, अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता था, एंगल होता था आर और डीएल के बीच में, तो आर ये रहा और डीएल भी तो यही है, डीएल किस में लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में, ये रहा करंट का डायरेक्शन, यही डीएल है यही आर है, बीच में एंगल 0 है, साइन 0 हो जाएगा, डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नहीं आया समझ में, हमने कहा एक डीएल काट के चेक कर लो, छोटा सा एलिमेंट, ये डीएल का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन में, और आर भी तो यहीं से लेते थे डीएल से पी तक, इनके बीच में एंगल ही 0 है, साइन 0 0, हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ओवरऑल वायर की वजह से भी 0। तो आपको याद रखना है बी अलोंग अ वायर इज ऑलवेज 0, चाहे से समझो चाहे वैसे, नहीं समझे, हमने कहा एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लो, डीएल भी ऐसे ही आर भी ऐसे ही, तो डीएल क्रॉस आर 0 हो जाएगा भाई, एंगल 0 डिग्री है बीच में, साइन 0, छोटे एलिमेंट वैसे 0, तो इसको इंटीग्रेट करो 0 0 0 0 0, या ऐसे देख लो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई साइन 0 साइन 0 भाई, पी से एंगल लेते हैं एक बार इस एंड तक आए 0 डिग्री, इस एंड पे आए 0 डिग्री, साइन 0 0। याद रखेंगे ये बात, कभी भी वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताएंगे, 0 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं, इससे पहले एक टॉपिक बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मान लो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, हेयर इज अ पॉइंट ए, पॉइंट पी, अच्छा हमसे बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए अपॉन साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, भाई स्ट्रेट तो ये भी है तो फॉर्मूला ये वर्क करेगा स्ट्रेट, ठीक है वर्क करेगा। अब यहां से आप एक लाइन बनाते थे जो वायर के एक एंड को जाके टच करती थी, यहां से आप वो लाइन ड्रॉ करते थे जो वायर के एक एंड को जाके टच करती थी, ठीक है, अब ये लाइन वायर के एंड को कब टच करेगी भाई, ये तो इन्फिनिटी तक है, है ना, सोचो 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 सोचो, अगर वायर छोटा सा होता तो ये एंगल छोटा होता, वायर बड़ा होता एंगल और बड़ा, वायर बड़ा एंगल और बड़ा, वायर इनफाइनाइट तो ये कहां जाके इन्फिनिटी को मिलेगा, कहां जाके इस वायर को मिलेगा, नहीं समझे, मान लो वायर इतना बड़ा होता तो एंगल यहां पे आता, वायर इतना बड़ा एंगल यहां पे, वायर इतना बड़ा एंगल यहां पे, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, अगर वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाली लाइन जाके वायर से मिल पाएगी,
पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, है ना, ऐसा कंसेप्ट है मैम, ऐसा कहाँ मिलती किसी ने देखा नहीं, बट पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो इस वायर से मिलाने के लिए एक पैरेलल लाइन ही बनेगी। यानी कहने का मतलब भले ही हम ऐसे बना दें अभी दिखाने को आपको, बट एक्चुअल में ये एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। सच बता रहे, ये लाइन ले जाके हमें वायर के एंड से मिलानी है। यार वायर छोटा सा होता, लाइन यहां मिल जाती छोटे से एंगल पे, वायर बड़ा होता एंगल और बड़ा, वायर बड़ा एंगल और बड़ा, वायर बहुत बड़ा एंगल, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री, पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90, ऑल्दो देखने में 90 नहीं लग रहा हमने बनाया है, बट एक्चुअल में तो पैरेलल होके ही जाके मिलेगा ना। जितना छोटा वायर उतना छोटा एंगल, जितना बड़ा वायर उतना बड़ा एंगल। sin 90 sin 90, तो म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए sin 90 sin 90 sin 90 sin 90 sin 91 sin 91, तो म्यू नॉट बाई 4π 2i/a इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। आई विल बी रियली रियली ग्लैड इफ यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस। म्यू नॉट बाई 4π ऐसे याद रह सकता है, ऐसे याद रखना कि 51 52 की वैल्यू 90 90 होती है, 51 90 52 90, तो sin 90 sin 91 हो जाएगा 2i/a, म्यू नॉट बाई 4π 2i/a। बाकी डायरेक्शन तो निकाल सकते हो, इस केस में इनवर्ड है, बाकी पॉइंट जहां उसके हिसाब से क्लियर है, म्यू नॉट बाई 4π 2i/a। इस तरह से होता है एक सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट, एक तरफ से फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लिखा रहे हैं बोर्ड में, यहीं से सवाल आएगा, पर अगर अच्छे लेवल का जेई मेंस जेई एडवांस सवाल बनेगा तो उसमें थोड़े वेरिएशन होंगे, बट अभी आप पहले इसको समझ लो। सेमी इनफाइनाइट वायर, मान लो ये वायर है, इधर गया इन्फिनिटी तक, यहाँ पे डिफाइंड है, हमसे कहा यहाँ से ए डिस्टेंस दूर पे पॉइंट पी है, हमसे कहा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो इस तरफ कहाँ पे मिलेगा जाके, ये 90 डिग्री पे, तो 51 की वैल्यू हो गई 90, और दूसरे पॉइंट से तो यहीं मिल गया, यानी 52 की वैल्यू हो जाएगी 0। स्पेशल केस लिया है ना, हम समझ रहे हैं पॉइंट पी यहाँ होता तो क्या होता सर, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि पॉइंट पी यहाँ होगा तो इससे भी कुछ एंगल बनेगा, बट जो उसका मतलब एक स्पेशल केस है, जो जनरल केस किताब में डिस्कस करता है वो ऐसे ही करता है कि सेमी इनफाइनाइट बनाता है इसे और यहाँ पे इसे पॉइंट पी बना देता है इस एंड के पास में, कि इसका एक एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक एंड इसके सामने है, ठीक है ना। डेफिनेटली पी यहाँ होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बट हम जनरल रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं जो सारी किताबों में होता है, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो हमने बोला एक एंगल 90, इसको तो 90 पे मिलेगा और ये तो सामने है 0, तो अब आप फॉर्म लगाएंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए sin 90 + sin 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो यही बचेगा। अरे भैया एक sin 90 हुआ, एक 0 हुआ, 0 sin 91, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए सेमी इनफाइनाइट, है ना, ये याद रखना, सेमी इनफाइनाइट को याद रखने की जरूरत है, यू कैन ड्रॉ दैट, क्लियर है। ये वाला बोर्ड में पूछ भी सकता है, इसको हम दूसरी बार फिर डिराइव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से, बिठा रहे। अच्छा, तो ये तो सारा बेसिक्स हमने आपको पढ़ाया, बायोसेवर्ट्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोसेवर्ट्स, यूजिंग बायोसेवर्ट्स लॉ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ भी ले लिया। अब एक बढ़िया सवाल करते हैं जिससे आपका दिमाग खुल जाए, क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, ठीक है। बढ़िया सवाल में हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका हिलाएंगे। मान लो ये वायर है और ये करंट आई है, जिनको अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया पहले रिपीट करके लेक्चर देखें, रिवाइज करें, तब इस सवाल पे आना। और मान लो हमसे बोलता है यहां कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, करेंट इज आई, फाइंड बी एट पी ड्यू टू द वायर। इस मक्खी के मैं क्रूर हत्या कर दूंगा इस लेक्चर के बाद, मजबूरी है, बताएं बी एट पी ड्यू टू द वायर, बी एट पी ड्यू टू द वायर। सोचें, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डायग्राम है ना, पी हमेशा कहीं बीच में रहता था, इस बार कहाँ खिसका के एकदम नीचे कर दिया है, ठीक है। मक्खी तुम्हारी क्रूर हत्या होगी, बस लेक्चर खत्म होने दो, तुमको मैं अच्छी वर्मा की किताब से लपेट लपेट के मारूंगा। हाँ, कोई एनिमल वो पीटा सोसाइटी, सोसाइटी में मेरी कंप्लेन मत कर देना, हे मक्खी मैं तुम्हें पूजा करूंगा। हाँ भाई बताओ, देखो यार इसमें आप जो नॉर्मली करोगे वो ये करोगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π आई बाई डी
साइन 30 प्लस साइन 60 जो कि संपूर्ण रूप से गलत हो गया, हर तरह से गलत है। पहली चीज आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है। पहले तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, तो हम वायर पहले सीधा तो बनाए। तो वायर से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, ऑल दो करंट यहीं तक दिया है हमको, ठीक है। अरे वैसे ही बना है, कुछ नया नहीं कर रहे, सीधा बना रहे हैं, ठीक है। करंट यहीं तक दिया है, बट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये है ना ए। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, बोला था मैंने। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये डी है, ये 30 है, तो डी कॉस 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी कॉस 30। इतना समझ में आता है सबको कि नहीं? अरे यहाँ से cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटन्यूज कर लेना, cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, यहाँ से a इज इक्वल्स टू d cos, ठीक है। यानी जो ये है ये हो जाएगा d cos 30 कितना होता है, रूट 3/2, d रूट 3/2। पहली बात तो यहाँ d नहीं आएगा, ये चीज़ गलत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, d रूट 3/2, ठीक है। समझ में आया, क्या लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डी उठा के मत चिपका देना जो एग्जाम में दिया है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी गलती सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये वो परपेंडिकुलर लाइन है और दोनों एंगल देखो एक ही डायरेक्शन में मेजर हुए हैं, दिस इज नॉट अलाउड। मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर लाइन से फाइव वन एंड फाइव टू आर मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, बट हियर फाइव वन एंड फाइव टू बोथ आर मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन। वेट अ मिनट, अगर हम ये वाला क्वेश्चन करते नॉर्मल वाला और यहाँ पे पी पॉइंट हम देख रहे थे, तो हमने देखा था फाइव वन इधर मेजर हो रहा था और फाइव टू इधर मेजर हो रहा था कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां आपने क्या कर रखा है, आपने फाइव वन भी इधर मेजर किया और उसके बाद फाइव टू भी इधर ही मेजर कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो क्या करें सर, कुछ नहीं, जो परपेंडिकुलर लाइन है एक एंगल उसके एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, चलो जब वायर आएगा देखा जाएगा। एक चले 60 आया, ठीक है, चलो एक को हमने फिक्स कर लिया 60। दूसरे के लिए इस लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दो, सर वायर नहीं मिल रहा, सर वायर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मिल गया, मिल गया। एक बार इस तरफ चले, दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन चलो, वायर मिलेगा, 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 मिल गया। एक बार ऊपर चले तो एक बार नीचे चलो। अच्छा यहां क्या था, नीचे चलते यहीं पे मिल जा रहा था, नीचे चलते यहीं पे मिल गया, अभी नहीं मिला तो घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ, यहां मिला। यानी 30 नहीं लेंगे, फाइव टू ये पूरा एंगल होगा, यानी 360 में से 30 हटा दो। यस दिस इज 100% करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अरे भाई इसको लेके नीचे की तरफ घूमना है, वायर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, ले मिल गया, पूरा 360 था, उसमें 30 हटा दो, 330। अब ये मत कहना कि ये माइनस नेगेटिव, कुछ नहीं है, सब दिमाग मत लगाओ। फॉर्मूले में ऑलरेडी आपने माइनस प्लस रखा था, डेरिवेशन करते वक्त माइनस फाइव टू प्लस फाइव वन ये सब कर चुके हो, तो माइनस प्लस में मत उलझो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपने डेरिवेशन में ऑलरेडी माइनस फाइव टू प्लस फाइव वन ये सब किया, अब उससे छिड़खानी करोगे दिमाग पागल हो जाएगा। इतना याद रखो कि इस परपेंडिकुलर लाइन से एक एंगल ऊपर जाके मेजर होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन नीचे जाके, है ना, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज मेजर हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज, चलते 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 यहाँ पे मिला 330, खत्म। इसके बाद आसान हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, एक जगह क्या रखोगे, डी रूट 3 बराबर 2, सही है, डी कॉस 30 इंटू साइन 60 प्लस साइन 330। अब इस पे लोग घबरा गए, साइन 330 कैसे निकलेगा, अरे भाई साइन 360 माइनस 30 इस साइन 330, बोलो सही है, यही तो है ना, साइन 330 को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, साइन 360 माइनस 30। इतना बड़ा पाप किया है ना आपने 11th मैथ्स ना पढ़ के, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हो 330 को, अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है और साथ में माइनस लगा होता है। अरे भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, ये याद है कि नहीं, ऑल साइन टैन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और उसका उल्टा है ना सेक, ऑल साइन टैन कॉस। तो 360 ये घूम के यहाँ पहुंचे, इसमें से 30 माइनस किया तो 330 डिग्री यहाँ आ रहा है। 360 माइनस थीटा में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन, तो साइन का साइन रहा, बट साइन यहाँ नेगेटिव तो माइनस साइन 30 हो गया, खत्म। म्यू नॉट बाई फोर पाई अपॉन ए आई बाई डी रूट 3/2 साइन 60 माइनस साइन 30। इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, साइन 60 इज रूट 3/2, साइन 30 इज 1/2, उसका जो भी आंसर आता है। डायरेक्शन यू कैन टेल, डायरेक्शन यू कैन टेल, यहाँ पे हाथ रखा कचक कचक कचक, किधर आ रहा है डायरेक्शन, इनवर्ड्स।
देखो हाथ रखा, राइट हैंड का थंब। ये सब मेरी बातें क्लियर हुई? पहली बात, डिस्टेंस कौन सा लेते हैं वायर से, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, एंगल कहां से मेजर होता है, परपेंडिकुलर लाइन से, एक एंगल क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आया 330, पूरा यहां तक घूमे क्योंकि पूरा 360 उसमें 30 हटा के 330 निकालने का तरीका, साइन 360 माइनस 30 विच इज साइन थीटा, साथ में माइनस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर, इसके बाद आंसर निकालना है आपको। चले आगे बढ़े, तो ये वाली बात याद रखना कि एंगल में एक बार क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कुछ अच्छे सवाल इस तरह के बनाए जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपको दूंगा और लेक्चर को यहाँ पे हम विराम करेंगे इस आखिरी सवाल के बाद, और ये भी बढ़िया होगा। टिक चिक 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 ये इन्फिनिटी को जा रहा है और इस तरफ फाइनाइट है, मतलब कैसा वाल लिया है, सेमी इनफाइनाइट, और स्टैंडर्ड रिजल्ट इस सवाल में काम नहीं करेगा। यहां से डी डिस्टेंस नीचे, यहां पे एक पॉइंट पी है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अब जितने लोग किताब से रट के आए हैं फॉर्मूला, उन यहाँ पे उनकी जान निकल गई, क्या करें क्या करें। सेमी इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ हाँ मैं याद करके आया हूँ, आई बाई ए साइन 90 साइन 0, एक 90 होता है एक 0, नहीं चलेगा। सोचो, पॉज करके आराम से सोचो, इसमें 5 मिनट जितनी बातें भी बताइए सब सोचो। क्या पी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, क्या ये परपेंडिकुलर है, करें हम ट्राई कर लो इसको 5 मिनट 10 मिनट करें। ओके, वायर को पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए वायर से तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, कितना खराब मैथ्स है। ये परपेंडिकुलर है क्या वायर से, नहीं। इस तरह से परपेंडिकुलर बना सकते हो क्या, वायर से पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं। इस वायर से ऐसे चलने पे ही परपेंडिकुलर बनेगा, तो वायर को पहले एक्सटेंड कर लो पीछे की तरफ, अब ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे, इसको ए बोलेंगे। वायर से क्या लेना है परपेंडिकुलर, तो वायर को पीछे एक्सटेंड कर लिया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है, उसको हमने बोला ए, ये 90। अच्छा, ये ए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, थोड़ी मैथमेटिक्स। ये 45 है, ये कितना है 90 है, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 45, बोलो सही है। अरे भाई ये 45 90 पूरा 180 होना चाहिए, तो ये 45 ये 90 फिर ये 45। अब इस ट्रायंगल में देख लो, यहाँ से लगा दो कॉस 45, डी कॉस 45 आएगा, कॉस 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a इज इक्वल्स टू डी cos 45 बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, 90 90 पे है ना दोनों, तो cos 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a इज इक्वल्स टू डी cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो a इज इक्वल्स टू डी बाई रूट टू, इस बार पिछली बार रूट 3/2 आया था, cos 30 था ना इस बार, नहीं समझे, ये d कितना एंगल है 45, d cos 45, या cos 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a इज इक्वल टू डी cos 45, cos 45 वन बाई a इज इक्वल टू डी बाई रूट टू, पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब एंगल का बात होगा पूरा सारा, इसको यहाँ से अटैक कहीं और लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं cos 45 इज a बाई डी, a इज इक्वल टू डी cos 45 इज इक्वल टू डी बाई रूट टू, ठीक है। अब एंगल की बातें करते हैं, ये रही परपेंडिकुलर लाइन, वायर का एक एंड ये है, एक एंड इन्फिनिटी पे है, परपेंडिकुलर लाइन से ही एंगल लेते हैं पी पॉइंट से, तो पहला एंगल मैंने इन्फिनिटी वाला सोचा, तो इन्फिनिटी से जाके कब मिलेगा, तो मैं समझ गया ये तो 90 डिग्री पे, तो पहला कंक्लूजन मेरा हुआ कि फाई वन तो 90 होना ही होना है। फाई वन के लिए हम कैसे चले, क्लॉक वाइज चले, ऐसे चले 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 चले, कहाँ पर जाके मिलेगी ये लाइन, कैसे करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे करनी पड़ेगी तभी जाके पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, एक एंड ये एक एंड इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी वाले के लिए मैंने 5190। दूसरे एंड के लिए अब यहाँ से क्या, देखो पहले के लिए आप ऐसे चल चुके हो, तो दूसरे के लिए क्या ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन मेजर करने हैं।
अब इधर से चले दूसरे एंड के लिए मिल ही नहीं रहा है पॉइंट, ये है दूसरे एंड की लाइन, देखो ये आ रही लाइन, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर दूसरे एंड से जो लाइन आ रही है वो यही तो है। घूमते 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 ये पहुंचे, ये एंगल होगा पूरा। कहां से चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन से, एक बार इधर चले इसके लिए 90 डिग्री हो गया फाइनल है ना, फिर इसके लिए एक बार इधर चले 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 यहां पे मैच किया देखो दूसरे एंड का। हाउएवर कंफ्यूजिंग इट मे सीम बट दिस इज द ट्रूथ, देखो एक एंड से ये ज्वाइन हो रहा है, एक एंड से ये ज्वाइन हो रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन, इधर चले फाइव वन, इधर चले फाइव टू। अब फिर से ये परपेंडिकुलर लाइन, इधर चले फाइव वन, कहां मिलेगा 90 पे जाके, ठीक है ठीक है इनफाइनाइट है ठीक है ठीक है, उधर जाके कहां 90 डिग्री पे। दूसरे के लिए नीचे चले 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 चले, ये इस पॉइंट से पी पॉइंट पे जो लाइन आई है उसको कहां मिला, ध्यान से इस पॉइंट से पी पॉइंट पे जो लाइन आई है उसको कहां मिला, यहां मिला कि नहीं। अरे भाई ये एंड है वायर का, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी ए, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, ए से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन से चलते हुए कहां पे मिले, ए से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर लाइन से चलते हुए यहां पे मिले, कितना एंगल हो जाएगा 360 में से 45 हटा दो तो 52 विल बी 360 माइनस 45 दैट इज 315 डिग्री। इसके बाद सब आसान है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है डी बाई रूट टू इंटू साइन 90 प्लस साइन 315, साइन 315 माइनस साइन 45 आएगा, साइन 315 इज इक्वल्स टू साइन 360 माइनस 45 विच इज माइनस साइन 45, सो इसकी जगह आप साइन 90 माइनस साइन 45 लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी बाई रूट टू। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां से देखो डायरेक्शन कैसा आ रहा, इनवर्ड ही आ रहा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है, पहले वायर को एक्सटेंड किया, मिटार के फेज़ समझा दे कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या दे रखा था हमें सवाल में, यहां से डिस्टेंस डी दे रखा था पॉइंट पी, समझो आना चाहिए। देखो हमने कहा पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ए से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है भाई, क्या हम ए से डिस्टेंस उठाते हैं, नहीं ए से डिस्टेंस कहां उठाया जा रहा है, ये तो ये वाली लाइन बनी है, पहचानो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमने कहा कि इस वायर को पीछे एक्सटेंड कर लो, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने ए बोला, ये डी, ये 90, ये 45, ये 45, हमने कहा ए की वैल्यू क्या होगी डी कॉस 45, ये 90 डिग्री है डी कॉस 45, तो ए मिल गया। फिर हमने कहा परपेंडिकुलर लाइन से ही तो दोनों तरफ एंगल लेना है, एक एंड ये रहा ये नीचे वाला मान लो, तो इस पे तो हम पहुंच गए खटाक से, इस एंड पे तो हमें पहुंच गए, कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा पी से ऐसी लाइन बनानी है जो वहां ज्वाइन करे, तो पैरेलल लाइन बनेगी, यानी ये पहला एंगल जो हमने लिया ऐसे कितना हुआ 90, दूसरा एंगल अपोजिट डायरेक्शन में चले ए यहां मिला, ए से जो पी को ज्वाइन कर रहा है, ए से जो पी ज्वाइन कर रहा है यहां, क्लियर हुआ, ठीक है यहीं पे इसको करते हैं खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर आर्क और कई इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो पढ़ाई करते रहे, मैग्नेटिज्म में बहुत मजा आने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट।